प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग कैसा होना चाहिए, ये किस एटमॉस्फेयर को जहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं उसे सत्संग कहा जाता है, ये महापुरुषों ने अपने अपने लफ्ज़ों में समझाया है। गुरु नानक देव जी महाराज, जिनके ज़रिए हजारों लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर की ओर हुए, वो बड़े प्यार से समझाते हैं कि सत्संग कैसा होना चाहिए। पहले तो सवाल करते हैं कि सत्संग कैसे जाने, कैसे हम जाने कि ये सत्संग है, यहाँ पर सच्चाई का संग होगा, यहाँ पर हमें सच्ची चीज़ें जानने को मिलेंगी, यहाँ पर आकर जो ज़िंदगी का ध्येय है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हमारा पूरा होगा। तो सवाल उठाते हैं कि सत्संग कैसे जानिए, फिर आगे उसी अगली लाइन में उसका जवाब देते हैं कि जिथे एको नाम बखान, कि सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही पिता परमेश्वर के नाम की व्याख्या होती है, जहाँ पर वो नाम जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, वो नाम जिसके ज़रिए सारे कणमंडल बने, वो नाम जो कण-कण में समाया हुआ है, वो नाम जिसके साथ हम जो जुड़ते हैं तो हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, कि जहाँ उसकी व्याख्या हो, जहाँ उसका ज्ञान मिले, जहाँ पर हम जाकर उस प्रभु के नाम के साथ जुड़ सकें। उसे नाम कहा गया है, शब्द कहा गया है, नूर कहा गया है, ज्योति और श्रुति कहा गया, होली वर्ड कहा गया, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से उसे पुकारा गया है। कि सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ हम सब, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी कल्चर के हों, कोई भी भाषाएं बोलते हों, किसी भी देश के हों, कि जहाँ जाकर हम सब बैठ सकें और उस पिता परमेश्वर के नाम के बारे में जानकारी पाए और उसी नाम के साथ जुड़ते हुए अपने मकसद को हम पूरा कर पाए। और आगे फरमा रहे हैं कि एको नाम हुक्म है नानक, सदगुर दिया बुझाए जियो। कि वो एक ही नाम है जो प्रभु के हुक्म से चलता है। प्रभु अकेले थे, अपनी मौज में आए और प्रभु से नाम उत्पन्न हुआ कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। के सबसे पहले पिता परमेश्वर से, उनसे ही नूर निकला, उत्पन्न हुआ, उसे नूर कहें, शब्द कहें, नाम कहें, और उसी से सारी सृष्टि रची गई है। ये हम इंसानों का नज़रिया, हम सोचते हैं ये ऊंचा, ये बड़ा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये अच्छा है, ये ख़राब है, लेकिन संतों महापुरुषों की नज़रों में हर एक चीज़ अच्छी है, क्योंकि हर एक चीज़ पिता परमेश्वर से उत्पन्न हुई, हर एक चीज़ प्रभु से आई है। ये हमारा नज़रिया है, हम उसे किस तरीके से देखते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज समझा रहे हैं कि नाम एक ही है जो कि प्रभु के हुक्म से शुरू हुआ, और कह रहे हैं सद्गुर दिया बुझाए जी हो, कि जब एक पूर्ण महापुरुष ने वो नाम हमारे लिए खोल दिया, तो जो नाम क्या है वो हमारी समझ में आ गया, हम उसे जान पाए, हम उसे पहचान पाए, हम उसके साथ जुड़ गए।
कि जो प्रभु का नाम है, प्रभु का शब्द है, वो कण कण में हमारे भीतर चल रहा है, लेकिन इस समय हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते, इस समय हमें उसकी जानकारी नहीं। वो कण कण में समाया, हमारे ऊपर भी है, नीचे भी है, साइड पर भी है, हमारे भीतर है, लेकिन हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते। तो एक पूर्ण महापुरुष, एक सद्गुरु जब हमें अपनी तवज्जो देते हैं, तो वो नाम जो हमारे अंग संग चल रहा है उसके साथ वो हमें जोड़ देते हैं, ताकि हम उस नाम के जो दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट और साउंड, उसके साथ जुड़ते हुए अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा पाए। तो सत्संग में आने का फायदा हमें क्या है और सच्चा सत्संग कौन सा सत्संग है, वो यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी जगह जहाँ एक ही पिता परमेश्वर की बातचीत हो, ऐसी जगह जहाँ एक ही पिता परमेश्वर से जो नाम जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई, सचखंड बना, पार ब्रह्म बना, ब्रह्मन बना, अन्न बना और पिंड का देश बना, जहाँ उसकी व्याख्या हो, जहाँ उसका ज्ञान हो, जहाँ हम उसके साथ जुड़ पाएँ, और उस सत्संग में एक पूर्ण महापुरुष जब हमें उस नाम के साथ जोड़ देते हैं, तो फिर जो जिंदगी का ध्येय है, जो रहस्य है कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है, और किस कारण हम इस धरती पर भेजे गए हैं, वो हमारे सामने खुल जाता है कि ये जिंदगी सीमित है, लेकिन असल की जिंदगी सीमित नहीं। ये जिंदगी जिसमें कि हम अपने आप को शारीरिक रूप में पा रहे हैं, इसमें हम चंद क्षणों के लिए आते हैं, 50 साल 60 साल 100 साल, लेकिन हमारी आत्मा जो हमारा असली रूप है, वो सदा सदा के लिए जीती है। इस शरीर को छोड़ देने पर भी वो ख़त्म नहीं होती, ये शरीर ख़त्म होता है लेकिन आत्मा ख़त्म नहीं होती, और आत्मा की रसाई अंदर के मंडलों पर जब हम कर पाते हैं, जब हमें नाम की देन मिलती है, तो फिर हम अंदर की मंडलों का अनुभव हर पल हर क्षण करते हुए सुख चैन और आनंद की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि ऐसी जिंदगी हम सब जी सकते हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं जो कि ऐसी जिंदगी ना जी पाए। सवाल ये उठता है कि हम अपना ध्यान किस ओर देते हैं, वो भाई बहन जो प्रभु की ओर ध्यान देते हैं, वो भाई बहन जो प्रभु को पाने के रास्ते पर तेज़ी से कदम बढ़ाते हैं, वो ज़रूर पिता परमेश्वर को जान पाते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिस ओर हम ध्यान देंगे, हम वैसे बन जाएंगे। प्रभु हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं। इस दुनिया में जीते हुए जबकि हम बहुत कुछ पढ़ लिखते हैं, आजकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है, नेचर के प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये जानना कि कोई शक्ति है जो हर एक में है, कई बारी दिमागी तौर पे समझना शायद मुश्किल हो, क्योंकि हम देखते हैं कि ये इंसान इस जगह यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आया, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर है, यहाँ पर घर पर आया, यहाँ काम पे चला गया, हवाई जहाज़ पे चढ़ा तो हिंदुस्तान में हवाई जहाज़ में बैठा और यूरोप में पहुँच गया, लेकिन उसी समय पर एक कोई शक्ति इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, वो हमारा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
कि सेम मोमेंट पर हम कैसे उसका अनुभव करें। लेकिन साइंटिस्ट भी आस्ते आस्ते स्पिरिचुअलिटी की और कदम बढ़ा रहे हैं। अब पिछले कोई 40-50 सालों में कंप्यूटर्स का बड़ा जोर हो गया और हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर एक ही जगह बैठा हुआ ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये करता है, मल्टीटास्किंग, कि एक समय पर वो ये चीज़ भी कर रहा है, वो चीज़ भी कर रहा है, वो चीज़ भी कर रहा है, वो चीज़ भी कर रहा है। तो थोड़ी थोड़ी समझ हमको शायद आनी शुरू हो जाती है कि एक जगह बैठ के हम 4, 5, 6, 8, 10 चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। देखो लाखों करोड़ों कैसे हों वो आस्ते 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 में भी समझ में आएगा, मगर प्रभु हैं, हम सब के भीतर हैं, हम सब उनका अनुभव एक ही समय पर कर सकते हैं। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं तो हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनकी ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये बार 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 महाप्रभु हमें समझा गए हैं। ये नहीं कि इस समय पर एक प्रभु को पाएगा तो दूसरे समय पर दूसरा पाएगा, तीसरे समय तीसरा पाएगा, कि सेम मोमेंट पर हम सब प्रभु की जानकारी पा सकते हैं। अगर प्रभु कहीं बाहर होते तो शायद हम एक एक करके उन तक पहुंच सकते, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर होते तो थोड़े से बंदे वहाँ पहुंच सकते, थोड़े से पहुंच सकते। अगर किसी दुनिया में ऐसी जगह पर होते जहाँ पहुंचना मुश्किल था तब भी कोई कोई पहुंच सकता, लेकिन प्रभु ने हम सब के लिए आसानी कर दी। प्रभु ने जाना कि हम सब इतनी मेहनत नहीं करते, तो हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि कहाँ पर ढूंढेंगे उनको, तो प्रभु ने कहा मैं इनके अंदर ही चला जाता हूँ सबसे नज़दीक, ताकि इनको कहीं जाने में दूरी ना हो। तो प्रभु हम सबके अंदर बसे हुए हैं, और जब हम सत्संग में जाते हैं यही जानकारी हमें मिलती है कि पिता परमेश्वर कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर हैं, और उनसे मुलाकात करने के लिए ही हमें नाम की देन मिलती है, दीक्षा मिलना, नाम मिलना, इनिशिएशन। ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, इसका खुलना है। ये जब तक ये बंद होगा तब तक असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं होगी, तब तक हम बाहर मुके होंगे। लेकिन जब ये नामदान के दिन खुलता है, जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो हमें देते हैं, अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं, तो ये खुलता है, और जब ये द्वार खुलता है तो फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं, और तब हम पहली बार अपने आप को अपनी आत्मिक अवस्था में पाते हैं, और फिर उनकी दया मेहर से और उनकी शक्ति से हमारी आत्मा अंदर की दुनिया में बढ़नी शुरू होती है। हम उनकी दया मेहर से इस शरीर से ऊपर उठते हैं, और जिनको हम गुरु कहते हैं, जो भारी रूप से, जिन्हें हम एक ऐसा इंसान जो कि हमें पिता परमेश्वर के बारे में जानकारी दे रहा है, कि शारीरिक रूप को इंसान जनरली गुरु कहता है, वो जब अंदर बढ़ते हैं तो हम जो उनका गुरु स्वरूप है उसके दर्शन करते हैं, वो स्वरूप जो कि नूरी स्वरूप है, वो स्वरूप जिसमें से रोशनी निकल रही है, वो स्वरूप जो कि जब हम रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करके अंदर की ओर बढ़ते हैं तो उनकी प्रेजेंस वहाँ पे पाते हैं, और फिर वो हमें अपने साथ अंदर की दुनिया में ले जाते हैं। और जब उस यात्रा पे जाते हैं तो हमें पिंडदान, भ्रमण, पारब्रह्म को पार कर सचखंड में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर हम उनके शब्द स्वरूप को पाते हैं और उसमें लीन होते हैं, और फिर उनके ज़रिए प्रभु में लीन हो जाते हैं। तो ज़िंदगी का मकसद जो अपने आप को जानकर फिर अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कर रहे हैं, तब हमारा जाके
पूरा होता है। तो एक सत्संग में आकर हमें वो ज्ञान मिलता है ताकि हम फिर अपनी मंजिल तक कदम बढ़ाने शुरू कर दें। तो जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है कि सत्संग ऐसी जगह को मानो जहाँ पर एक पिता परमेश्वर की बातचीत हो, और फरमा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष ने नाम की देन दी तो जो रहस्य था जिंदगी का और मौत का और यहाँ आने का, वो सब समझ में आ गया। ऐसे ही संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा है, वो भी फरमा रहे हैं कि इंसान जब इस धरती पर आता है और जब उसके अंदर कुछ कशिश होती है पिता परमेश्वर को पाने की, तो वो अलग अलग चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। कभी एक चीज़ ढूंढता है, कभी दूसरी चीज़ ढूंढता है, सोचता है शायद यहाँ से मुझे सच्चाई मिलेगी, शायद यहाँ से मिलेगी, तो कभी इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है। तो सब जगह घूमकर किस नतीजे पे इंसान पहुँचता है, संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि मैंने पी सहबाएँ इरफा हर तजली गाज है। वो कहते जो अलग अलग स्थान थे पिता परमेश्वर को पाने के, मैं सब जगह गया। एक जगह प्रभु को कोई इस तरीके से पा रहा है, दूसरी जगह इस तरीके से पा रहा है, तीसरी जगह इस तरीके से पाने की कोशिश कर रहा है, चौथी जगह इस तरीके से पाने की कोशिश कर रहा है। तो फरमा रहे कि मैंने पी सहबाएँ इरफा, कि वहाँ की जो जो भी तरकीबें थी, जो जो भी उनके तौर तरीके थे, वो मैंने सारे समझे, सारे जाने। कि मैंने पी सहबाएँ इरफा हर तजली गाज है, कि हर एक जो रास्ता था पिता परमेश्वर को पाने का, वो मैंने जाना, उसको पहचाना। और किस नतीजे पे पहुँचे वो अगली लाइन में बता रहे हैं कि एक ही साखी था जो मैखाना दर मैखाना था, कि एक ही पिता परमेश्वर है जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग रास्तों को पकड़ते हैं, लेकिन कोशिश उसी पिता परमेश्वर को पाने की है। संत दर्शन सिंह जी महाराज तो एक जगह और भी फरमा गए कि हजार नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे। कि हम इंसानों ने प्रभु को हजारों नाम दिए हैं, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है। हम इंसानों ने प्रभु को तरह तरह के नाम दिए हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि हर नाम से उसे हम पुकारें। ये मत सोचें कि एक ही नाम से पुकारेंगे तभी मिलेंगे, कि किसी भी नाम से पुकारेंगे तो पिता परमेश्वर हमें मिलेंगे। हम इंसानों ने प्रभु को नाम दिए हैं, और उसी एक पिता परमेश्वर को पाने के लिए हम सब, हमारी आत्माएं जो कि 84 लाख जिया जून में भटक रही थी, इन पर प्रभु ने बड़ी दया मेहर की और हमें मानव चोला दिया। एक ऐसी एग्जिस्टेंस, एक ऐसा चोला जिसमें कि सब पदार्थ मौजूद हैं अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। Thank you.